आज हम इसको आज के लेक्चर में हम ये प्रूव करके देखेंगे कि जब एक अल्फा पार्टिकल आता है, अगर आप थॉमसन मॉडल को कंसीडर करें और अल्फा पार्टिकल की इंटरेक्शन पहले इलेक्ट्रॉन के साथ देखेंगे, फिर अल्फा पार्टिकल की इंटरेक्शन पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के साथ देखेंगे, और दोनों सूरतों में एट द एंड यू विल सी के जो स्कैटरिंग एंगल है वो स्मॉल स्कैटरिंग एंगल आता है अगर आप थॉमसन मॉडल कंसीडर करें। लेट्स सपोज, ये नोट करना चाहें, यहाँ लिखा हुआ भी है कि कैपिटल एम जो है दैट इज मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल और कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली एट रेस्ट है। कैपिटल मैंने एम कह दिया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जिससे वो मूव कर रहा है। स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो एट रेस्ट है इसलिए उसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट स्मॉल वी से करते हैं। वी प्राइम जो है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर कोलिजन है विद इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल वी प्राइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही समझे, छोटी स्मॉलर साइज की बॉल पड़ी है लोअर वेट की और एक हावी बॉल आके उससे स्ट्राइक करे, तो वो क्या होगा, जो स्मॉलर वेट की बॉल होगी वो भी मूव करना शुरू कर देगी और जो इनकमिंग बड़े वेट की बॉल आ रही है वो भी अपना कुछ मोमेंटम या कनेटिक एनर्जी लूज कर जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कनेटिक एनर्जी की इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो कैपिटल एम टाइम्स कैपिटल वी प्लस, अब दूसरी टर्म क्या आनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, वेलोसिटी जीरो है, तो इसलिए एम इंटू वी टर्म जीरो हो गई, इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल वी प्राइम प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी प्राइम। इस तरह इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर प्लस हाफ एम स्मॉल वी प्राइम स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हो गई मोमेंटम, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। सेकंड फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप कैपिटल वी प्राइम दूसरी तरफ ले जाएं तो कैपिटल एम कॉमन आ गया, तो एम वी माइनस वी प्राइम इज इक्वल टू एम वी प्राइम, और काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म को से भी इसी तरह एम कैपिटल कॉमन लें तो वी कैपिटल का स्क्वायर माइनस कैपिटल वी प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी प्राइम स्क्वायर। इसको आप वी स्क्वायर माइनस वी प्राइम स्क्वायर को लिख सकते हैं वी प्लस वी प्राइम और v माइनस v प्राइम। अब जो 5.4 को अगर डिवाइड कर दें 5.3 से तो आपके पास इक्वेशन 5.5 आ जाती है, कैपिटल v प्लस कैपिटल v प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल v प्राइम। सर ये 5.3 इक्वेशन कैसे है, ये आपकी आवाज कट गई थी, मुझे समझ नहीं आया। 5.3 वाली जो है, जो 5.1 वाली इक्वेशन है यस सर। उसमें आप देखें जो कैपिटल m कैपिटल v प्राइम वाली टर्म है वो आप दूसरी तरफ लेके गए हैं लेफ्ट ठीक हैंड हो साइड गया से, सर, आगे सर। ठीक है। इसी तरह जो 5.4 है उसमें आप हाफ एम कैपिटल वी प्राइम वाली टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, ठीक है, कैपिटल एम कॉमन लिया है। अब आपने 5.4 को 5.3 से डिवाइड करें तो आपके पास 5.5 इक्वेशन आ जाएगी, वी प्राइम प्लस वी v प्लस v प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल v प्राइम। अब यहां से कैपिटल v प्राइम की वैल्यू सेपरेट करके ये जो 5.1 इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दें,
यानी 5.1 में कैपिटल वी प्राइम की जगह पे आपने क्वेश्चन 5.5 से कैपिटल वी प्राइम की वैल्यू निकाल कर पुट कर देनी है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी 5.6 वाली। आप लोगों ने ये करके देखना है, अगर कोई डिफिकल्टी होगी आई एम अवेलेबल, आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपको वो स्टेप क्लियर करवाऊंगा, बट उससे पूछें। अदरवाइज जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या समझ आई क्या नहीं आई। तो ये हो गया वी प्राइम, हो गया 2m/m+mv। आपको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 7,000 टाइम्स हैवियर होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस कैपिटल एम इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो आपके पास वी प्राइम, ये जो क्वेश्चन थी 5.6, 2m/m(v) आ गया, एम एम से कैंसिल हो गया, तो वी प्राइम आपके पास आंसर आंसर आ गया 2v। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो एम वी प्राइम होता है। कैसे आपको ये यहां से, पहले ये समझ लें, ये पी जो है अल्फा पार्टिकल इस लाइन में आ रहा है तो इनिशियल मोमेंटम पी पी है। जब वो स्कैटर हुआ तो वो पी प्राइम वाला जो है जहां पे उसका मोमेंटम चेंज हो गया, यानी मोमेंटम की मैग्नीट्यूड वही रहती है, डायरेक्शन चेंज होगी, पी प्राइम हो गया। अब पी और पी के दरमियान में एंगल क्या है, थीटा, जिसको बना हुआ एम वी प्राइम होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो 2m v प्राइम की जगह पे आपने 2v पुट कर दिया, तो 2mv आपके पास आ गया। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा, जब हेड ऑन कोलिजन होगा, जो आपके सामने मैंने 2mv कैलकुलेट किया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी जितना चेंज इन मोमेंटम होगा वो कम होगा मैक्सिमम से, यानी मैक्सिमम कब है, जब हेड ऑन कोलिजन है, यानी सेंटर सेंटर में बिल्कुल। लेकिन अदर मोमेंटम क्या होता है, ग्लेंसिंग वन, यानी उसका अल्फा पार्टिकल का जो सेंटर है वो न्यूक्लियस के सेंटर में नहीं है बल्कि साइड से पे आकर मतलब स्कैटर होता है। तो ऑल अदर मोमेंटम जो वो होंगे क्या, लेस देन दिस वैल्यू। तो आप कह सकते हैं थीटा इलेक्ट्रॉन जो स्कैटरिंग एंगल है वो तो डेल्टा पी ओवर पी है, जो नीचे वाली मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी उससे। तो डेल्टा पी आपके पास 2mv है और पी जो है वो कैपिटल एम वी है, यहाँ एम कैपिटल पता है आपको 7,000 टाइम्स एम होता है, थीटा इलेक्ट्रॉन आपके पास कम गजला, और ये आपने बड़े अच्छे तरीके से ईएमटी में पढ़ा हुआ है, ग्रिफिथ की सेकंड बुक, नहीं किसी को याद, सेकंड चैप्टर देख सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस मालूम करनी है तो जो पहला है ई आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, दिस इज फील्ड एट द सरफेस। कब होगी, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा। अगर आप एनी पॉइंट आउटसाइड दी उसके रेडियस की बात करेंगे तो स्मॉल आर ही रहेगा जो गॉसियन स्फीयर होगा। तो ये सूरत-ए-हाल बन गई कि पॉजिटिव चार्ज क्लाउड है जिसका चार्ज क्यू है, कैपिटल आर उसका रेडियस है, एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स की वजह से जब उसकी विसिनिटी में आएगा तो वो रिपल्सिव फोर्स की वजह से रिपेल हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। और ये फोर्स कब लग रही है मैक्सिमम, जब वो उसके डायामीटर में से पास हो रहा है, क्योंकि पता है फोर्स जो 1/r² से वेरी करती है, तो इसलिए विद आर ये डायमीटर में से पास कर रहा होगा। जो स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग
बाहर की डायरेक्शन है तो डेल्टा पी आपके सामने बना हुआ है। अब फोर्स जो है जो लगेगी उसके ऊपर वो यहाँ के आर की इक्वल होगा जो कि सरफेस की एम्बर तो वो टाइम हम मालूम कर सकते हैं जितना उसने फासला तय किया डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है एल इज इक्वल टू 2 आर तो एल इज इक्वल टू 2 आर पुट कर लिया डिवाइडेड बाय वी। ये हो गया वो टाइम जिसके दौरान वो ये फासला एल इज इक्वल टू 2 आर ट्रेवल करे। इम्पल्स किसके इक्वल होती है फोर्स टाइम डेल्टा टी। तो आपके पास फोर्स आपने ऊपर मालूम कर ली तो 4EQ/4πε0RV हो गया। मोमेंटम जो है कैपिटल एम इनटू कैपिटल बी है तो चेंज इन मोमेंटम जो है इम्पल्स जो होती है यानी एफ मैक्सिमम डेल्टा टी वो इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम के। तो आपने डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम डेल्टा टी तो यहां से वैल्यू पुट की आपने एफ मैक्सिमम की और डेल्टा टी की तो आपके पास ये जो ऊपर वाला रिलेशन था वही आ गया। अब आपने स्कैटरिंग एंगल मालूम करना है तो स्कैटरिंग एंगल डेल्टा पी ओवर पी है ये यहाँ पे आपने इसको कह दिया था डेल्टा पी ओवर पी। तो आप डेल्टा पी की वैल्यू आपके पास ऊपर आ चुकी है 4EQ/4πε0RV और पी जो है हमने कह दिया कि एम वी के इक्वल है। तो यहाँ पुट करें तो आपका थीटा थॉमसन हमेशा इस वैल्यू से क्या होगा कम होगा। यहाँ पे क्यू जो है जेड ई के इक्वल होता है गोल्ड में जेड 79 है तो 79 टाइम्स ई आपके पास ये वैल्यू आ गई। आर रेडियस है ऑफ द गोल्ड एटम एम जो है मास है ऑफ दैट और बी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है और एम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करें और तो आपके पास स्कैटरिंग एंगल 0.02 डिग्री आ गया अगेन लेस देन दिस। आपने ये कैलकुलेशन करके देखनी है। आमतौर पे मैंने नोट किया है कि जब आप लोग कैलकुलेशन खुद से नहीं करते तो एग्जाम के अंदर हमेशा गलती करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप यूनिट्स और इन चीजों का ख्याल नहीं रखते और जिसकी वजह से वहां एग्जाम में गलती हो जाती है। जब एक दफा बंदे ने हाथ से किया हो तो फिर एग्जाम में जब आता है तो कभी भी गलती के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा लाजमी ईच एंड एवरी स्टेप खुद से करके देखा करें। अच्छा यहाँ से हमने अभी तक क्या किया हमने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज क्लाउड देख लिया है और दोनों सूरतों में हमने नोट किया है कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिव चार्ज क्लाउड हो दोनों सूरतों में स्कैटरिंग एंगल समान आया है यानी 0.02 डिग्री। तो जो उन्होंने सोचा था वही है हमारी कैलकुलेशन भी बता रही है। अब फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो आप इंटरेक्शन एक सिंगल एटम के साथ देख रहे हैं जो फाइल है उसकी कोई ना कोई थिकनेस है। अगर उसकी थिकनेस है और एटम के साइज का आपको रफली आइडिया है तो आप थिकनेस को डिवाइड करें एटम के साइज से तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एटॉमिक लेयर्स वहां पे मौजूद हैं गोल्ड एटम्स। उस एक्सपेरिमेंट में जो फाइल यूज की गई थी वो 10^4 एटॉमिक लेयर्स थी यानी अल्फा पार्टिकल के रास्ते में अबाउट 10^4 एटम्स आते थे। तो लोगों ने कहा कि कहीं मल्टीपल स्कैटरिंग यानी एट एक एटम के साथ आप स्ट्राइक किया स्कैटर हुआ कोई एंगल आया फिर वो दूसरे के साथ हुआ फिर तीसरे के साथ और जब 10^4 एटम के साथ उसकी स्कैटरिंग हुई तो कंबाइंड इफेक्ट लार्ज एंगल या बैक स्कैटरिंग ना आ जाता हो। अल्टीमेटली स्टैटिस्टिकली इस चीज को भी चेक किया गया और प्रूव किया गया इवन मल्टीपल स्कैटरिंग जो है वो भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं करती बल्कि ये लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन जस्टिफाई नहीं होती। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ ये अगला पार्ट मैं कल करवाऊंगा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। वो क्वेश्चन है v प्राइम इज इक्वल टू 2v नहीं आ चुका यस सर द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अबाउट 7000 टाइम्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कैपिटल m इज ग्रेटर देन स्मॉल m ऊपर वाला कैपिटल
एम यानी 2m ओवर कैपिटल m आ जाएगा, स्मॉल m को निगलेक्ट कर दिया तो कैपिटल m से कैंसिल हो गया, तो v प्राइम जो है 2v के इक्वल आ गई। तो डेल्टा p इज इक्वल टू m v प्राइम है, तो v प्राइम की जगह पे जब 2v पुट करेंगे तो 2mv आ गया। ठीक हो गया सर। आप एक दफा इसको पढ़ लें,